नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी के बड़ोदी में लगभग 14 करोड़ 16 लाख की लागत से बनी सर्किल जेल भवन का लोकार्पण किया। सांसद सिंधिया ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगे जाके वो जीवन में किए गए गलत कार्यों की पुनरावृत्ति ना करें। जेल से रिहा होने के बाद एक अच्छे नागरिक के रूप में सकारात्मक सोच के साथ समाज और परिवार की सेवा करें। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंदियों को भरोसा दिलाया कि नई जेल भवन में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा वो समय समय पर जेल का निरीक्षण कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी लेंगे। सांसद सिंधिया ने जेल प्रबंधन को जेल के बेहतर रखरखाव के लिए निर्देश भी दिए। लोकार्पण कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरवी कुमार, विधायक जसवंत सिंह, विधायक सुरेश राजखेड़ा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बेशनाथ सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगड़कर और जेल अधीक्षक दिलीप सिंह भी शामिल हुए। एक नई जेल की स्थापना आज शिवपुरी जिले में हुई, जो एक नई अवसंरचना इसके द्वारा लगी है। मुझे बताया गया है कि ये नया समाहरण भी बनाया गया है। जो भी हमारे कैदी हैं उनके लिए भी एक नया वातावरण निर्मित किया गया है शासन के द्वारा। शिवपुरी से बंटी यादव की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।